नमस्कार। और अभी अपने साथ में श्रीमान अखिल तिवारी जी हैं और यह रहने वाले हैं कानपुर के। 28 साल उम्र है और जो इनको पेट की प्रॉब्लम है वो लगभग 6 साल से है। आज हम आपको एक नया आसन बताएंगे जो हमने प्रयोग किया है, जिसके द्वारा काफी सारे लोग ठीक हुए हैं। वह आसन हम इनके ऊपर आपको बताएंगे और यह आसन किन किन चीजों में फायदेमंद रहेगा वो आप सुन लीजिए। हमारे अखिल जी को नाभि की प्रॉब्लम है और हल्के से नले हैं। इनको कब्जियत की प्रॉब्लम है, लगभग कितने साल से है? 5-6 साल से कब्जियत है इनको। गैस बनती है भयंकर, अपच रहती है इनको, अफारा है, साथ में पाइल्स है और दूसरी बात कि इनको IBS-C है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली, और इनको BP लो रहता है, हर वक्त थकान रहती है। आप समझिए कि पेट में इतनी सारी प्रॉब्लम रहेंगी तो व्यक्ति हल्का सा माइल्ड डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जैसे एंजाइटी बोलते हैं। और ये सब रहने के बाद और इनके बाद इनको कुछ खाते हैं तो उल्टी आ जाती है, उल्टी आ जाती है, सर में दर्द बना रहता है, भयंकर थकान रहती है, वजन कभी भी नहीं बढ़ता, वजन लॉस हो गया इनका, सांस फूलती है, नींद बहुत कम आती है, हर वक्त दिमाग में पेट घूमता रहता है, मतलब कि पेट में दिमाग सेट हो गया है या दिमाग में पेट सेट हो गया है। अब आती है हल्की, बहुत हल्की एसिडिटी है, पेट की समस्या 6 साल से है और सबसे बड़ी बात बहुत बेहतरीन व्यक्ति है पंडित जी, बहुत बेहतरीन पंडित जी हैं, बहुत शानदार व्यक्ति हैं, बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत बेहतरीन पॉजिटिव। भारत के अंदर ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर पेट रोगी, जो भयंकर पेट रोगी होती हैं, वो बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, बड़े बड़े शेयर करते रहते हैं चीज़ों को कि ये खाओ आप, ये खाओ आप, ये खाओ, वो कभी भी अपने ऊपर एनालिसिस नहीं करते और ऐसा देखा जाता है कि वो सीवियर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं एक या दो दिन में ठीक होने के लिए जाते हैं। ऐसा संभव नहीं है और ना ऐसा संभव हो सकता, अगर ऐसा संभव भी है तो आप अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि एक दिन में बीमारी कभी भी जाती नहीं है। व्यक्ति को अगर फीवर भी आ जाता है तो वो भी 4 या 10 दिन में जाता है, अगर कोल्ड भी हो जाता है तो वो भी 8 दिन ले लेता है मिनिमम। तो आप ऐसा ना समझें कि आपकी बीमारी 2 दिन 4 दिन 5 दिन में चली जाए, 10 साल पुरानी बीमारी आप समझें कि मेरी 10 दिन में ठीक हो जाए तो संभव नहीं है। आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, सारी पेट की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, वो स्ट्रेचिंग जो आप कर सकते हैं, शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एलोपैथिक मेडिसिन का पेट की बीमारियों में कम से कम यूज करना चाहिए, अगर एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा यूज करेंगे तो आप बहुत भयंकर लेवल के दलदल में फंस जाएंगे, दलदल जितना हाथ पैर मारेंगे आप उसमें उतनी उलझते जाएंगे और सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, सीवियर नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे। अखिल जी, ये बीमारी कब से थी और कैसे लगी आपको? टाइम तो पता ही नहीं चला, अल्ट्रासाउंड कराया तो आंखों में सूजन है, तो ट्रीटमेंट लेते रहे, कुछ आराम ही ना मिला, फिर हमें से इधर उधर दो गाँव में बोल होते हैं, उन्हें चेक किया, ना बटी है आपकी, फिर वो जब सही हो जाए भूख सारी कुछ लगे, फिर ऐसे ही चलता रहा, डॉक्टरों को दिखाया, इधर दिखाया, उधर दिखाया, कोई आराम। आप अभी ध्यान से सुनिए, ऐसे लोग जो भागने वाले रहते हैं, जो परमानेंट भागते रहते हैं, जो दर दर भागते रहते हैं 10 दिनवा 15 दिनवा, हम हमेशा कहते हैं कि आप लग के ट्रीटमेंट कराइए, अपनी मजबूरी को दर्शाइए कि आप किस मजबूरी में हैं, किस तरह आप बीमार हुए, आप कैसे उस दलदल से निकलोगे, आपको अपनी हर चीज बतानी चाहिए। और आप अगर सोचेंगे कि नहीं भैया, मैं आज किसी की व्यक्ति के भी पास गया हूँ और लो मैंने आपको 15 दिन की पेमेंट दे दी या 15 दिन का आपका जो भी बनता है वो दे दिया और मैं अब ठीक हूँ, मतलब मैं अगले दिन से ठीक होने लगाऊंगा, तो ऐसा मामला नहीं है। सामने वाला आपके शरीर पर प्रयास कर सकता है, न कि आपको ठीक कर सकता है, मतलब ठीक आप स्वयं होंगे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स काम करने लगेंगे तो आप स्वयं ठीक हो जाएंगे। आइए, तो अभी हम आपको वो चीज बताते हैं, जो आसन बताते हैं जो अभी हमने आपको बताने वाले हैं जी, पेट कमली। ये अभी आप देखिए, हमने एक लेटेस्ट चीज आपको दिखाई है, बहुत बढ़िया। हम हाँ जी, ऊपर उठिए, ऐसे कीजिए, दोनों हाथों को आप ऐसे कर लीजिए, आगे लाइए थोड़ा, बस इन हाथों को ऐसे कर लीजिए, इधर इसको ऐसे कर लिए पूरा, ठीक है, प्रॉपर कर लिया, पूरा पीछे की तरफ धक्का मारिए अपने, उसमें
पूरा पीछे की तरफ धक्का मारिए। ठीक है, आइएगा, इस पैर को मोड़िएगा। अब आप देखिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये एक आसन है और इसको हम अपनी लेवल में स्ट्रेचिंग बोलेंगे, न कि आसन, हम अपनी भाषा में इसको स्ट्रेचिंग बोलेंगे। इन दोनों पैरों को मोड़ना है, इसको ऐसे पीछे कराना है, इसको ऐसे हाथों को रखना है। आगे से दिखाइए कि देखिएगा, आपने डेली सुबह पानी पीने के बाद में इस तरीके से करना है। और पेट में जिसको नले हैं ये उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, जिस व्यक्ति को नले हैं उस व्यक्ति के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब ये हम डेली कराते हैं, आजकल बहुत कई दिनों से करा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा उपयोग है। ऐसे करने के बाद घर के किसी व्यक्ति के सलाह आप हेल्प ले लेंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे। ऐसे कोशिश करेंगे कि इसको हिप से लगाएं। आपके पेट में स्ट्रेचिंग आ रही है जी? पेट में खिंचाव पड़ रहा है? कितना खिंचाव पड़ा? बहुत ज्यादा पड़ रहा है। देखिए, आपके पेट के जो नले हैं, नाभि की प्रॉब्लम है, कब्ज की, गैस की, एसिडिटी की, बहुत सारी प्रॉब्लम इसके से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। अब आप इनको ऐसे करिएगा, ठीक है? ऐसे करने के बाद में ऐसे ये जो पंजे हैं, पंजे को ऐसे नीचे की तरफ धक्का मारना है, ऐसे। हाँ जी साहब, बताइए कितना खिंचाव है? बहुत ज्यादा खिंचाव है। ध्यान से देखिएगा, पूरा दिखाइए, दूर से पूरा दिखाइए, पूरा। चलिए, आप अभी देखिए, ये देखिए, ये हाँ जी, कितना खिंचाव है? थोड़ी देर, मिनिमम एक मिनट आपको ऐसे रहना है। ऐसे रहने के बाद में इनको बोलना, टांगे सीधी कर लो, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ो, हाँ, पूरा मुंह खोल के एकदम, हाँ। ठीक है, अब आप देखिएगा, फिर अगेन इसको ऐसे करना है, इस तरीके से ऐसे, और इसको ऐसे करने के बाद फिर ऐसे खिंचाव मारना है। कितना खिंचाव है जी पेट में? बहुत है। अच्छा खासा खिंचाव है जी। ये न्यू स्ट्रेचिंग है, बहुत जबरदस्त स्ट्रेचिंग है, बहुत बेहतरीन। फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, मतलब ये जो उंगली है ये, ठीक है, ये देखिए, इनको ऐसे पकड़ के इनको ऐसे नीचे की तरफ करना है, ये देखिए ऐसे। कितना खिंचाव है जी? बहुत। ठीक है, ये 3 बार करना है, एक एक मिनट के गैप से, डेली सुबह खाली पेट करना है, पानी पी के हल्का सा फ्रेश होने के बाद में, जब भी आप दिन में खाली पेट होंगे, खाना खाने से पहले भी इसको कर सकते हैं। सीधे लेटिए जी, इस सबको करने के बाद में, नहीं, ऐसे लेट जाइए, इस सबको करने के बाद में, लेट जाइए, इस सबको करने के बाद में अपने नले जरूर तोड़ लें। ठीक है, ये वाले एक और ये दो, ये 3 सेट हम बताते हैं नले तोड़ने वाले। तो आप अभी देखेंगे, दिखाइएगा कि ये जो एक नई हमने स्ट्रेचिंग आपको बताई है, इससे पेट के अंदर, जितना पेट के अंदर आपको नले हैं, नाभि है, गैस है, एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, IBS-C है, और IBS डायरिया वाली है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ये आप जरूर करें। ये बहुत बेहतरीन और लेटेस्ट टेक्निक है पेट के रोगों को कम करने के लिए। और ध्यान है, जो व्यक्ति नेगेटिव है वो इसको ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति ठीक ही नहीं होंगे। जो व्यक्ति प्योर पॉजिटिव हैं, शुद्ध पॉजिटिव, जो ठीक होने की इच्छा से कोई चीज़ करते हैं, वो इसको जरूर करें। और जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, जो व्यक्ति समझे ना कि जो व्यक्ति कोमा में, उसके ऊपर कोई भी क्रिया कर लो तो कोई क्रिया काम नहीं करेगी, वही व्यक्ति नेगेटिव व्यक्तियों का हाल है। कि पेट वाला व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, इधर उधर भागता रहता है, वो सोचता है कि कहीं से मुझे 2 दिन में ठीक हो जाऊँ, संभव नहीं है। हम पिछले कई सालों से समझाते आ रहे हैं कि 1 दिन में आपके पेट का रोग नहीं जाएगा, लेकिन आप समझते नहीं हो किया क्या जा सके। आप ही को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो ये जो चीज़ है ना, ये 1 दिन में नहीं जाने वाली। आप योगा करो, अभ्यास करो इसको। आप नहीं कर पा रहे, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई गलतफहमी है, कहीं स्ट्रेचिंग नहीं पड़ रही, तो आप हमसे संपर्क करो, हर चीज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, सीधे जाओ।